अंकल जी वो 30 साल हो गए यहाँ लगाते हुए, तो जब 2 रुपए की टिक्की थी, 2 रुपए की भैया तब से आ रहे हैं, जब से इनकी जो टिक्की का रेट था सिर्फ 2 रुपए था और 2 से 30 हो गया, लेकिन भैया ने अभी तक टिक्की खाना नहीं छोड़ा। नमस्कार दोस्तों, फूड वॉल्स की टीम आ चुकी है यूपी के फिरोजाबाद जिले में। यहाँ पर एक जगह है शुकाबाद, तो शुकाबाद की जो तहसील है उसके पास में एक ठेल लगती है टिक्की की। इसके जो ओनर है उनका नाम है रामबीर टिक्की वाले। तो आप कभी भी शुकाबाद में आएंगे तो आप शुकाबाद में किसी से भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टिक्की किसकी बेस्ट है, तो इन्हीं का नाम मिलेगा, रामबीर टिक्की वाले। तो चलिए सीधे अंकल जी से बात करते हैं। तो अंकल जी कितने टाइम से आपकी शॉप है यहाँ पर? हमें हो गए 35 साल। कितना? 35 साल। 35 साल अंकल जी बता रहे, 35 साल से इनकी यहाँ शॉप है। और इससे पहले कहीं लगाते थे यहीं? हमारे ताऊ और पापा वगैरह जखैया मेला में लगाते पेड़। अच्छा, जखैया के। तो टोटल कितना टाइम हो गया? टोटल तो 70 साल हो गए अंकल जी बताने, करीब करीब 70 साल हो चुके हैं इनकी इस शॉप को चलाते हुए। यहाँ की टिक्की काफी ज्यादा फेमस है और शोकाबाद में किसी से भी आप नाम पूछ सकते हैं तो इन्हीं का नाम मिलेगा। आलू वालू सारा मिक्स ताजी रहता है ना? रोजाना बनते हैं, रोजाना माल आता है, रोजाना बनता है, रोजाना बनाते हैं। तो क्या क्या डालते हैं आप इसमें? तो आलू है, डांडे में घी में योगा है, वनस्पति में टिक्की है। अच्छा, और चटनी धनिया की, मैं सारा कुछ मतलब अच्छी चीजों में अंकल जी बनाते हैं। और सारा जो मसाला रहता है अंकल जी का वो खुद ही तैयार करते हैं। यहाँ अंकल जी के छोरे मतलब गर्म होते रहते हैं। हाँ, गर्म होते रहते हैं यहाँ सुबह से शाम तक। अंकल जी के छोले जो हैं वो गर्म होते रहते हैं और गर्मी छोले मिलते हैं। तो चलिए अपनी एक टिक्की लगवाते हैं और फिर देखते हैं इनका टेस्ट है कैसा। अंकल जी एक टिक्की लगा दीजिए हमारे लिए। अपनी टिक्की लगवा रहे हैं, आप काफी करारी, देखने में भी करारी लग रही है। देखिएगा ये प्राइस क्या है इसका? प्राइस क्या टिक्की का? कितने रुपए की? 30 रुपए। 30 रुपए की एक टिक्की रहती है, मतलब ज़्यादा महंगी भी नहीं है और काफ़ी करारी लग रही देखने में ये हमारी टिक्की लग रही है। हाँ, ये डाल दिए अंकल जी ने छोले, क्या बात है। मिर्च पड़ाई? हाँ, सारा कुछ, मिर्च, नमक। ये किसकी चटनी होती है? ये आम की। अच्छा, और धनिया की, आम धनिया है ना, ये मिला के हरी मिर्च बहुत सही। और ये सॉस? ये आम की जो भी होती है। अच्छा, और गुड़ पत्ता, गुड़ और चीनी। अच्छा, गुड़ चीनी और आम, जीरा है ना, काली मिर्च। क्या बात है, बढ़िया एकदम। बड़ी इलायची, बड़ी इलायची। और ये कौन सा मसाला अंकल जी? ये दाल मसाला है। दाल मसाला, ये अंकल जी मिर्च डाल दी और ये अदरक भी डाल दिया और ये हमारी टिक्की बन के तैयार हो गई है। हाँ, डाल दीजिए। देखिएगा हमारी टिक्की बनके तैयार हो गई है। और ये इसका जो प्राइस ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 30 रुपए की टिक्की है हमारी। तो चलिए मैं इसको टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ आपको टिक्की कैसी है। और यहाँ पर कई सारे लोग आते रहते हैं, तो चलिए आप इनके जो कस्टमर हैं उनसे बात करते हैं। भैया कितने टाइम से आ रहे हैं इनकी शॉप पर? 25 साल से आ रहा हूँ। क्या बात है, मतलब भैया 25 साल से आ रहे हैं। अंकल जी वो 30 साल हो गए यहाँ लगाते हुए। जब 2 रुपए की टिक्की थी, 2 रुपए की भैया तब से आ रहे हैं, जब से इनकी जो टिक्की का रेट था सिर्फ 2 रुपए था और 2 से 30 हो गया, लेकिन भैया ने अभी तक टिक्की खाना नहीं छोड़ा इनकी। मतलब इतना टेस्ट है इनकी टिक्की में। तो पर डे आते हैं आप? क्या बात है, एक दिन में कितनी खा लेते हैं? एक तो खाती नॉर्मल, मतलब एक तो खानी खानी है, दो चार घर पर ले जाते हैं, दो चार। क्या बात है, मतलब 5-6 भैया को ले जानी है। और इस तरीके के काफ़ी सारे कस्टमर भी होंगे इनके जो पर डे इनकी टिक्की खाते हैं। तो भैया ऐसा क्या खास लगता है इनकी टिक्की में? टेस्ट बढ़िया अलग है सबसे। सबसे टेस्ट अलग, कुछ टेस्ट में ऐसा क्या अलग लगता है आपको? चटनी मीठी बढ़िया है। अच्छा, इनकी जो मीठी चटनी है वो काफ़ी टेस्टी, भैया बता रहा हूँ, काफ़ी टाइम से खा भी रहे हैं। तो चलिएगा भैया, भैया तो खा ही रहे हैं, एक बार मैं भी खा के देखता हूँ कैसा टेस्ट है इनका। और ज़्यादा मैगी भी नहीं है, मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है देखते ही, लेकिन मैं खा के और बताता हूँ। इतनी करारी टिक्की है अंकल जी की, बस ऐसा लग रहा है खाता ही हूँ, आपको बाद में बताऊँ। इनकी जो मीठी सॉस है उसका बहुत टेस्ट, अंकल जी थोड़ी और डाल दीजिए। ये मीठी चटनी है उनके, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और टिक्की भी काफ़ी करारी है अंकल जी की। तो चलिएगा दोस्तों, अगर आपको ये टिक्की खानी है शुकाबाद में, जो शुकाबाद तहसील है, बैंक ऑफ इंडिया के पास शुकाबाद तहसील है, उसके पास अंकल जी जो है अपना ठेल लगाते हैं, रामबीर सिंह टिक्की वाले। तो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर है, उसके थोड़ा सा आगे चलते ही अंकल जी की शॉप है। तो आपको कभी भी आना तो आप इनकी शॉप पर आ सकते हैं और एक बार इनकी टिक्की को जो है उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं टिक्की खाता हूँ। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे कि और भी जो लोग हैं वो उनके पास आ सकें और उनकी जो टिक्की है उसका टेस्ट ले सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।